नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। हम लोग आ पहुंचे हैं एक संगम नगरी प्रयागराज के कुंभ में और हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ बच्चे आए हुए हैं जो कि प्रतापगढ़ से चलकर यहां पर शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम इनका था और साथ में इनके टीचर भी हैं। तो सीधा हम उनसे बात करते हैं, कैसा उनको अनुभव, उनको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ करके, कितने खुश हैं वो और अभी वो लोग आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते और क्या दिक्कतें यहाँ पर हुई हैं। तो पहले हम सर से बात करते हैं। सर, आप अपना परिचय बताइए। अंकुर श्रीवास्तव। कहाँ से सर आप? प्रतापगढ़ से। तो कैसा अनुभव आपको, मतलब आप यहाँ पे आए बच्चों को? यहाँ पर आने पर जो गंगा स्नान के बाद जो है जी, ऐसे अंदर की अनुभूति, जो आध्यात्मिक अनुभूति जागृत हुई है। अच्छा, और बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा है, हम लोगों को भी अच्छा लगा और सूर्यदेव ने भी साथ दिया आज। परोण देव, क्या नाम है सर बता दीजिए? श्री कृष्ण बालिका इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ जी। प्रतापगढ़। शुक्रिया आपका। और मैम है हमारे साथ, मैम से बात करते हैं। मैम बताइए, आपका परिचय? दीपा शर्मा जी। आप टीचर हैं आप भी? हाँ। बताइए कैसा अनुभव आपका रहा? बहुत बढ़िया रहा। कैसा महसूस कर रही हैं आप यहाँ करके? अरे अभी ये प्रयाग नगरी संगम नगरी है। बता रहे कि आप बहुत प्रसन्न हैं। आप हंस भी रही हैं। और कोई टीचर है आपके कॉलेज के? सर आप बताइए, आपका शुभ नाम? मुकुट बिहारी पाल। कैसा लग रहा है सर यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिव्य अनुभव हो रहा है। कोई एक अच्छाई बताइए जो आपको सबसे ज्यादा भाई हो। संगम की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है, साफ सुथरी व्यवस्था, साफ साफ सुथरी, सफाई पे विशेष ध्यान दिया। सर आप बताइए। हाँ, प्रदीप कुमार यादव जी। कहाँ से? सिर्फ बालिका वही से। हाँ, टीचर आप भी हैं? हाँ हाँ। चलिए सर, तो आप यहाँ बच्चों को लेके आए हैं। हाँ। तो बच्चे आपके बहुत प्रसन्न हैं? बच्चे बहुत प्रसन्न हैं। बच्चे प्रसन्न आप लोग कितने दिन याद रखेंगे उस कुंभ को? कितने दिन याद रखेंगे आप लोग इस कुंभ को? बहुत दिन तक। एक दिन, दो दिन, चार दिन? बहुत दिन। क्या अच्छा लगा आप सबको, सबसे ज्यादा इसमें क्या अच्छा लगा इस कुंभ में आकर? यहाँ की साफ सफाई। पहली बार आई है कुंभ में आप लोग? किसके पहले? नहीं, आ चुके हैं। कई बार आ चुकी हैं? हाँ। लेकिन जो ये चल रहा है कुंभ, इस बार 2019 में पहली बार आई होंगे ना इसमें? हाँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? शिवानी सरोज। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? नाइन्थ। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आप बेटा, आपका? खुशी विश्वकर्मा। आप किस क्लास में? सेवन्थ। आप कैसा, आपको लग रहा है यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। खुश है आप यहाँ करके? हाँ। तो अपने घर वालों को आप क्या बोलेंगे, वो जाए घूम आए? हाँ। एक माँ के यहाँ गंगा माँ की कुख में आकर थोड़ा सा स्नान कर ले, पुण्य कमा ले कुछ। कमाना धमा जिंदगी में रहता है। बताइए आप। कंचन लता श्रीवास्तव। हाँ। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? यहाँ पे साफ सफाई, गंगा स्नान और फूल अर्पण करना, आरती करना, सब बहुत अच्छा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ज़्यादातर लोग सफाई को देख करके बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हैं, क्योंकि साफ सफाई और जो है सिस्टमेटिक ढंग से इस बार जो कुंभ का आयोजन किया गया योगी सरकार द्वारा, या कह सकते भारत सरकार भी उसमें योगदान रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं और सभी के चेहरे मुस्कान हम देख सकते हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि सभी के सभी जो भी यहाँ श्रद्धालु बाहर से आए हों, चाहे यहाँ के लोकल हों, सभी बहुत ही खुश हैं। तो और कोई बोलना चाहता है? बताइए। अदिति मिश्रा। क्या करती हैं, पढ़ती हैं, किस क्लास में? नाइन्थ में। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाहती हैं आप, बताइए अपने द्वारा? यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं? कि सब आए यहाँ पे घूमे, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। चलिए, आप सबको शुक्रिया, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जो है बात किए इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं इंडिया पोस्ट, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।